नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के एक प्रमोटर सौरभ ने दुबई में अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए। रिश्तेदारों और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को लाने के लिए प्राइवेट जेट भेजे, इसके लिए सारा पेमेंट कैश में किया। अब ईडी उसकी कुंडली खंगालने में लगी है। आइए देखते हैं सट्टेबाजी की एक दिलचस्प दास्तान। स्टील मैग्नेट लक्ष्मी मित्तल और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के परिवार की शादियों में हुए भारी भरकम खर्च के बारे में सुना ही होगा, लेकिन ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले एक ऐप के प्रमोटर की शादी में हुए खर्च के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकार ने दुबई में धूमधाम से शादी की, इस पर 200 करोड़ रुपए उड़ाए। नागपुर में अपने रिश्तेदारों और 17 फिल्मी सितारों को लाने के लिए उसने प्राइवेट जेट भेजे। यह सारा लेन देन कैश में हुआ। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है। एजेंसी ने महादेव ऐप से जुड़े 39 ठिकानों पर छापे मारकर 417 करोड़ रुपए के शेयर और दूसरे एसेट्स बरामद किए हैं। सौरभ की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। कहानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर से शुरू होती है। शहर में महादेव चाय सेंटर नाम से सौरभ की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। सौरभ ऑनलाइन सट्टे पर भाव लगाता था, इसमें वह 10 से 15 लाख रुपए भी हार गया था, यानी सौरभ का सब कुछ चला गया था। सौरभ के दोस्त रवि उप्पल भी इस सट्टेबाजी में लगभग 10 लाख रुपए गवा चुका था। सट्टेबाजी में सिंडिकेट से रुपए वापस करने का दबाव पड़ने पर सौरभ और रवि उप्पल दोनों भिलाई से दुबई भाग गए। दुबई में दोनों ने महादेव बुक नाम की सट्टेबाजी ऐप लॉन्च करने के लिए पैसे जुटाए। लॉन्चिंग के बाद से महादेव बुक ऐप सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने लगा। इसके बाद से सौरभ चंद्राकर रवि उप्पल की किस्मत चमक उठी। कुछ ही दिनों में दोनों ने दुबई में बैठकर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। भारत में महादेव ऐप कुछ दिन चला, फिर इसको बंद कर दिया गया, लेकिन भारत से कुछ लोगों के तार सौरभ और रवि से जुड़े थे। जिन लोगों के तार महादेव ऐप से जुड़े थे, वह भी रातों रात करोड़ों रुपए में खेलने लगे। ईडी के मुताबिक डिजिटल सबूतों से पता चला है कि हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए योगेश बापट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए। इसी तरह होटल बुकिंग के लिए 42 करोड़ रुपए की पेमेंट UAE की करेंसी दिरहम में की थी। और इतना ही नहीं, इस शादी समारोह में परफॉर्मेंस करने के लिए कई बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया गया। इनका एक वीडियो ईडी के हाथ लगा है। मुंबई के एक इवेंट कंपनी ने कलाकारों को उनकी फीस दी थी। सौरभ की शादी में टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़ और सनी लियोनी समेत कई मशहूर कलाकार परफॉर्म करने पहुंचे थे। अभी इस ऐप से जुड़े लोगों के घर पर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में ईडी के अधिकारियों के हाथ में सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और 417 करोड़ की नकदी हाथ लगी है और कई बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। चंद्राकर की शादी में शामिल होने वाले बॉलीवुड के स्टार भी निशाने पर है। बॉलीवुड के जो स्टार है वो ईडी की रडार पर है। ईडी ने गुरुवार को महादेव ऐप बेटिंग सिंडिकेट के 39 ठिकानों पर छापेमारी की। रायपुर, भोपाल, कोलकाता और मुंबई में छापेमारी की गई। एजेंसी ने इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ईडी इस ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की तलाश कर रही है। इन दोनों को लेकर ईडी के हाथों पुख्ता जानकारी मिली है। ईडी की माने तो यह एक बड़ी रेड है और अभी यह खत्म नहीं हुई है। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की कहानी जानकर पूरा देश दंग रह गया है। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि चाय की दुकान चलाने वाले दुबई में रहकर ऐसा भी काम कर सकते हैं। खास खबरों के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।